नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अजमेर में एक युवक पर सेना में नौकरी करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने अपना ही डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया बल्कि सेना में नौकरी भी हासिल कर ली। दरअसल अजमेर के किशनगढ़ पास देसवाली ठाणी गाँव है। इस गाँव का युवक मोहिद्दीन ओवर एज हो गया था, लेकिन वो हर हाल में भर्ती होना चाहता था, लिहाजा उसने पहले जालसाजी से अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। इस मृत्यु प्रमाण पत्र में अपना नाम बदलकर मोहिन सिसोदिया रख लिया और उम्र भी कम दिखा दी। सातिर दिमाग ने 10वीं की परीक्षा भी दोबारा दी ताकि आधार कार्ड पर अपडेट हो जाए। फिर हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र आने के बाद उसने मोहिन सिसोदिया के नाम से आर्मी में आवेदन किया। हैरानी की बात यह है कि ये जालसाज सेना में भर्ती भी हो गया। अब बारी थी सेना में ट्रेनिंग की। इस ट्रेनिंग के लिए दौरान मोहिद्दीन को करीब 50,000 रुपये महीने मिलने थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सेना ने मोहिद्दीन उर्फ मोइन के दस्तावेजों की जांच की और एक चिट्ठी बंदर सिंदरी थाने में भेज दी। सेना की इस चिट्ठी के बाद खुलासा हुआ कि राजपूताना राइफल्स में 20 जुलाई 2021 को भर्ती मोहिन सिसोदिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके यहाँ नौकरी प्राप्त की है। मोहिन सिसोदिया ही मोहिद्दीन है जिसकी वास्तविक जन्मतिथि 6 नवंबर 1998 को हुई और उसने 2013 में 10वीं की परीक्षा दी थी। इसके बाद उसने अपने आप को मोहिन सिसोदिया बताकर 6 नवंबर 2001 की जन्मतिथि से फर्जी दस्तावेज तैयार कर ली और वर्ष 2019 में वापस 10वीं की परीक्षा दी। साथ ही सेना में भर्ती के लिए परीक्षा दी और जुलाई 2021 में सेना में राजपूताना राइफल्स के पद पर चयनित भी हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि मोहिद्दीन को सेना में जाने के लिए पहले खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना था। 2019 में सरपंच की मिली भगत से उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया। शुरुआती जांच के मुताबिक फ्रॉड की पूरी कहानी में ग्राम पंचायत से जुड़े कई लोग शामिल हैं। जालसाजी का खुलासा होने के बाद सेना ने तुरंत मोहिद्दीन और मोहिन की सेना से बर्खास्त कर दिया। अब आपको इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। इसके पिता 46 साल के नूर मोहम्मद हैं जो गांव में खेती करते हैं। परिवार में पत्नी फतिमा, बड़ा बेटा मोहिद्दीन और छोटा बेटा आसिफ और एक बेटी सलमा बानो है जिसकी शादी हो चुकी है। मोहिद्दीन का जन्म 6 नवंबर 1998 को हुआ और आसिफ का जन्म 5 जुलाई 2001 को हुआ है। मोहिद्दीन ने 2013 में 10वीं पास की और 2018 में सेना भर्ती हुई। उसके छोटे भाई आसिफ का उसमें चयन हो गया था। मोहिद्दीन भी सेना में जाना चाहता था लेकिन वहां ओवर एज होने की वजह से बाहर हो गए। इसके बाद मोहिद्दीन ने साजिश रची, खुद को मरा हुआ बताया और अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। डेथ सर्टिफिकेट में बाकायदा लिखा था कि मोहिद्दीन की 18 अगस्त 2019 को मौत हो चुकी है। इसके बाद मोहिद्दीन ने मोहिन सिसोदिया के नाम से 2019 में 10वीं की परीक्षा दी। पास होने के बाद मोहिद्दीन को मोहिन सिसोदिया के नाम से बोर्ड की मार्कशीट मिल गई। इस पर पिता का नाम नूर मोहम्मद और माता का नाम फतिमा बानो ही रहा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1998 से बदलकर हो गई 6 नवंबर 2001, यानी मोहिद्दीन उम्र में अपने छोटे भाई से भी छोटा हो गया। मोहिद्दीन को सेना में जाने के लिए अपनी उम्र कागजों में कम दिखानी थी। इसके लिए जरूरी था कि उसकी 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड पर भी नई जन्म तारीख हो, लेकिन यह संभव नहीं था। ऐसे में पहले उसने खुद का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया जिसके लिए उसके पिता मोहम्मद नूर ने पंचायत से मिलीभगत की और 2019 में सरपंच ने मोहिद्दीन की मौत की पुष्टि कर अनुशंसा कर दी। इसके बाद आवेदन ग्राम सचिव ने वेरीफाई किया और फिर तहसीलदार ने। कहीं कोई जांच नहीं हुई और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया जिस पर मौत की तारीख लिखी गई 18 अगस्त 2019। इस तरह आसानी से मोहिद्दीन का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। इसके बाद मोहिद्दीन ने पास के ही नलू गांव के एक स्कूल बालकृष्ण भारती में मोहिन सिसोदिया नाम से एडमिशन लिया। वहां यह 9वीं का स्टूडेंट बना। इसी स्कूल से 2019 में 10वीं की परीक्षा दी। फॉर्म में उसने अपना नाम मोहिन सिसोदिया लिखा और जन्मतिथि लिखी 6 नवंबर 2001। वर्ष 2020 और 2021 में इसी स्कूल से 12वीं उत्तीर्ण की
अब उसके पास मोहन सुशीलेश के नाम से बोर्ड की दो दो कक्षाओं की मार्कशीट होगी और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में दसवीं की मार्कशीट पर नई तारीख भी आ गई। इन्हीं मार्कशीट के आधार पर उसने अब पहले राशन कार्ड में और बाद में आधार कार्ड में अपने नाम और जन्म तारीख भी बदलवा ली। अब उसे मोहन सुशीलेश के नाम से आधार कार्ड की जरूरत थी जिस पर उसकी नई डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन वह नया आधार कार्ड नहीं बनवा सकता था क्योंकि पुराने आधार कार्ड के रिकॉर्ड में उसका बायोलॉजिकल रिकॉर्ड था। यदि वह फिंगरप्रिंट देता तो तुरंत पकड़ में आ जाता, इसलिए उसने दसवीं की नई मार्कशीट के आधार पर ऑनलाइन ही पुराने आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि बदल ली, जिसके बाद आधार कार्ड में ही उसका नाम मोहिद्दीन से मोहन सुशीलेश और जन्म तिथि 6 नवंबर 1998 से 6 नवंबर 2001 हो गई। लेकिन आधार कार्ड का नंबर एक ही रहा जो 3644046737 और 716 है। मोहिद्दीन का छोटा भाई आसिफ 2018 में सेना में सैनिक की पोस्ट पर चयनित हुआ था। उसका वेतन अच्छा था जिसे देख बड़े भाई मोहिद्दीन ने भी सेना में जाने की सोची, लेकिन उस वक्त भर्ती रैली नहीं हुई और फिर कोरोना काल आ गया। सेना भर्ती के लिए आवेदक की उम्र 17.5 साल से 22 साल के बीच होनी चाहिए थी। मोहिद्दीन का जन्म 1998 में हुआ था। परिवार जानता था कि वहाँ ओवर एज हो रहा है, इसलिए मोहिद्दीन ने पहले कागजों में खुद को मृत बताया और फिर नए नाम से दसवीं की परीक्षा देकर मोइन बना और जन्म तिथि भी बदलकर आसिफ का छोटा भाई बन गया। इसी बीच अजमेर में आर्मी रैली भर्ती हुई 11 जुलाई 2022 से 2 अगस्त 2022 तक हुई थी। इसमें आवेदन ने 24 मई 2022 से 27 जून 2022 तक लिए गए। मोहिद्दीन ने यदि कागजों में एरफरी नहीं करता तो उस भर्ती के समय उसकी उम्र 24 साल की होती और वहां अयोग्य हो जाता। इस पूरे मामले में मोहिद्दीन के भाई छोटे भाई आसिफ की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। वह पहले से ही सेना में भर्ती हो चुका था, अब अपने बड़े भाई को भी वहाँ नौकरी दिलवाना चाहता था। सेना में भर्ती के लिए रिलेशनशिप श्रेणी में 5 प्राथमिकता है। इनमें से तीसरी प्राथमिकता के तहत सेवारत सैनिक अपने एक सगे भाई के लिए सिफारिश कर सकता है। यदि वह सेना के मापदंड पूरे करता तो उसका चयन हो जाता। उसने इसी कोटे का फायदा उठाया और मोहिद्दीन से मोहिन बने अपने बड़े भाई को छोटे भाई बताकर आर्मी रिलेशनशिप कोटे के लिए सिफारिश कर दी। आसिफ वर्ष 2018 में सेना की राजपुताना राइफल्स में चयनित हुआ था। वहाँ अभी जयपुर स्थित बटालियन नंबर 24 में कार्यरत थे। यह पूरा मामला सेना को मिली एक चिट्ठी के आधार पर खुला है, जिसमें गांव के कफूर खान ने पूरी जानकारी सेना के अधिकारी को दी। शिकायत के बाद इसकी जांच हुई तो पूरा मामला खुल गया, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। सेना की ओर से भेजे गए दस्तावेज के आधार पर मोहिद्दीन उर्फ मोइन सुशीलेश के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यहाँ जांच अरई थाना के गुमान सिंह कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे युवक जालसाजी करके पहले सेना में भर्ती हो गया। सेना में ट्रेनिंग के बाद उसे महीने के 45 से 50 हज़ार रुपये का वेतन मिलता, लेकिन उससे पहले ही रक्षा मंत्रालय के महानिदेशालय ने को मिली एक चिट्ठी ने उसका पूरा राज खोल दिया। सेना ने तुरंत उसे बर्खास्त कर दिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तो यकीन हो गया कि किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह लगने जैसी आज की कहानी है ये।